Thank you.
हरि बोल हरे कृष्णा काटे गेले पाप दूर जायो हे मन दयाल प्रभु सेवा को काटे गेले पाप दूर जायो गंगार रस हैले बसते पवना कर तो मर दो गंगार परस हैले बसते पवना दर्शन पवित्र हरि स्थानिया परादे तारे हरि नाम तुम्हार स्थान अपराधे नहीं करे हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम हृदय सदा गोविंद विराम गोविंद कहे न वैष्णव प्रति जन में कारी आशा चरणी रघुली नारोतम कर दया अपना रघुली जन में कारी आशा चरणी रघुली नारोतम कर दया अपना बार करो कर वैष्णव गोसाई
देखो ये जो भजन है श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी का है। कहते ये नरोत्तमदास ठाकुर कौन है? बोले जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, एक पूर्व बंगाल में एक नदी है जिसका नाम पद्मा। चैतन्य महाप्रभु वो नदी को बोले, देखो मैं अपना प्रेम तेरे पास में रख करके जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़ा संत आएगा, वैष्णव आएगा, ये प्रेम तुम उन्हें दे देना। बोले मेरे को पता कैसे चलेगा, वही संत है। बोले वो इतने बड़े साधु है, केवल जब उनका चरण स्पर्श तुम्हें हो जाए, केवल पानी में उनकी चरण का स्पर्श कर ले, तुम्हारी हृदय में इतने आनंद उमड़ेगा, तुम्हारा हृदय अपने आप तुम्हारे पानी उफरने लग जाएगी, अपने आप पानी उफरने लग जाएगी, फिर तुम समझना यही वही महापुरुष है, तो उनको दे देना। कहते वो श्री श्रीला श्री नरोत्तमदास ठाकुर है। जब श्री नरोत्तमदास ठाकुर इनको चैतन्य महाप्रभु का प्रेमावतार बताया, ये महापुरुष जब जन्म हुई, जब इनकी केवल चरण स्पर्श हुई, वो पानी अपने आप उफरने लग गया, और उफरते समय इतने में एक हवा बही, वो हवा बहते हुए वो पानी को टच किया, और जिस तरफ में वो हवा चली गई वो देश इतने पवित्र हो गया, इतने पवित्र हो गया। अक्सर करके इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के जितने शिष्य है सब उस तरफ से आए, सबके सब उसी तरफ से। अभी भी जितने अक्सर करके भक्त हैं, क्योंकि वो हवा स्पर्श करते हुए उधर चली गई थी, इसलिए वो स्थान को अत्यंत अत्यंत पवित्र बना दिए। और ये जो भजन हैं, इन्होंने जो जितने भजन लिखे हैं, वो ग्रंथ का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसलिए प्रभुपाद एक समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक समय सारे शिष्यों को प्रश्न किए, बोले बताओ तो किसको कृष्ण प्रेम चाहिए, हाथ उठाओ किसको कृष्ण प्रेम चाहिए। सबके सब हाथ उठाए। बोले भैया हम तो, हमारा लक्ष्य ही कृष्ण प्रेम है, हम तो कृष्ण प्रेम को पाने के लिए भजन कर रहे हैं। बोले अगर तुम कृष्ण प्रेम चाहता हो, चाहते हो, एक आना में तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। एक आना जानते हो कितने पैसा बताओ तो? छः पैसा। पहले एक आना, दो आना, तीन आना होता था, छः पैसा। बोले तुमको छः पैसा में कृष्ण प्रेम मिलेगा। बोले कैसे? बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, उसी समय ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो ग्रंथ का जो कीमत एक आना था, बोले केवल एक आना लेकर के वो ग्रंथ को खरीद कर लो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल पढ़ो ग्रंथ को, केवल वो ग्रंथ को तुम पढ़ो, पढ़ते पढ़ते देखोगे अपने आप तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। मतलब इनका जो भजन इतने महत्वपूर्ण भजन है, इतने रसिक इनकी भजन दो तरह का है, एक तो एक साधक के लिए और एक सिद्ध के लिए है, एक साधक के लिए और सिद्ध, ये दोनों के लिए इनका भजन अपूर्व भजन है। इसलिए करी करी इनकी भजन ही हम ज़्यादा गाते हैं। अभी लोग आ रहे थे ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा पंद मोहि साव धानम, इनका ही भजन है। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते न याने बावेनी, इनकी भजन है। अक्सर करके हम जितने भजन गाते हैं यही महापुरुष का भजन अक्सर करके, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मो, अक्सर करके जितने भजन हमारे गौड़ीय वैष्णव गाते हैं सब इनकी भजन गाते हैं। और ये सब भजन गाने पर ना हैं, ये सब भजन गाने पर हमारे गुरु जी कहते थे भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं, ठाकुर जी सबका प्रार्थना नहीं सुनते। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं सड़ंग शरणागति है बेजार तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ठाकुर जी उन्हीं की ही प्रार्थना सुनते हैं जिनको छह शरणागति हो जाए, इतना छह शरणागति हो जाए। आपको पता है छह शरणागति क्या क्या? छह शरणागति कोई बता सकते हो?
छह तरह का शरणागति क्या है, कहते जिसको अंदर में ये छह शरणागति हो जाएगी, ठाकुर आप जो कुछ बोलोगे ठाकुर को सुनना ही पड़ेगा, ठाकुर जी को आपका प्रार्थना ठाकुर सुनना ही पड़ेगा, जो बोलोगे ना ठाकुर वही करेंगे, ठाकुर जी आपकी इशारा पर बैठेंगे और इशारा पर ठाकुर जी खड़े हो जाएंगे। केवल अगर जीवन में ये छह शरणागति हो जाए, आपको पता है छह शरणागति क्या है, इसलिए कहते अनुकूल संकल्पम प्रातिकूल विवर्जनम रक्षी सती इति विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविध शरणागति। हो सके तो कोशिश करना ये श्लोक को सीख लेने के लिए, हैं ये श्लोक को सीखने के लिए। इसका मतलब है अनुकूल संकल्पम, भक्ति का जो अनुकूल वस्तु है उसे स्वीकार करना, संकल्प करना, आज से ऐसे कोई काम हम नहीं करेंगे जो काम करने से ठाकुर नाराज होते हैं, गुरु वैष्णव नाराज होते हैं, वो काम हमें नहीं करना। यही सही काम करेंगे जो काम करने पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, गुरु वैष्णव प्रसन्न होते हैं, वही काम को ही हम करेंगे, हैं। अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्जनम बोले रक्षी सती इति विश्वास, भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास होनी चाहिए, ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे, ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे। जैसे श्री हरिदास ठाकुर 22,000 में पिटाई हो रही है, लेकिन जितने जोर से पिटाई हो रही थी उतना जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम उतना जोर जोर से हरि नाम कर रहे थे, उतना जोर जोर से अम्बरीश महाराज के ऊपर में दुर्वासा ने कृत्या को निक्षेप किया, राक्षस प्रकट हो गया, उनको मारने जा रहा था, लेकिन वो हाथ जोड़ कर खड़े हुए, क्योंकि राखे जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जन जग बैरी होई, इसलिए उनको पूर्ण विश्वास है ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे। द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, दुर्योधन जंघा पर हाथ पीट कर कह रहे द्रौपदी को उल्लग्न करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो, इतने में भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांधीवधारी, उनको बाहु फड़क रहा था, सोच रहे थे इनका गला यहीं पर हैं, यहीं पर घोट दे इनकी गला, लेकिन युधिष्ठिर महाराज वहाँ चुपचाप बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे। भरी सभा में किसी की स्त्री की उल्लग्न की जाए आप सहन कर सकते हो, और सर्वश्रेष्ठ समर्थ रहते हुए कोई सहन कर सकता है, सहन कर ही नहीं सकते हो, लेकिन श्री युधिष्ठिर महाराज चुपचाप देख रहे थे। कारण क्या, इनका नाम है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या होता है, बोले युद्ध अवस्था में भी जिनकी बुद्धि स्थिर रहता है, कभी भी जिनका बुद्धि कभी विचलित कभी नहीं हो, क्यों विचलित नहीं हो, उनको संपूर्ण विश्वास है, हैं ठाकुर जी हमें रक्षा करेंगे, उनको पूर्ण विश्वास है कृष्ण यद्यपि हम सबको प्रेम करते हैं लेकिन द्रौपदी को विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं सखी, उनको सखी बोल करके उनको संबोधन करते हैं, इसलिए युधिष्ठिर को पूर्ण विश्वास है दुशासन कभी इनको उल्लग्न कर ही नहीं सकते, क्यों, कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं, उनको ये पूर्ण विश्वास है, हैं पूर्ण विश्वास है, इसलिए दुशासन वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश कर रहा था, भीमसेन का बाहु फड़क रहा है और श्री अर्जुन का, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे अरे अपेक्षा तो करो, ठाकुर है कि नहीं, ठाकुर की अपना भक्तों रक्षा नहीं करेंगे क्या, ठाकुर के ऊपर तुम्हारे विश्वास नहीं है, ठाकुर क्या द्रौपदी को बचाएंगे नहीं ठाकुर जी, इसलिए चिंता में वो चुपचाप बैठे हुए। सचमुच से द्रौपदी सबको देख रही थी, सबको देख रही थी, शायद मेरे पति लोग कुछ बोलेंगे, वो सर नीचा करके बैठे हुए, शायद यहाँ पर गुरुवर्ग लोग भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र कुछ बोलेंगे, सबके सब सर नीचा करके बैठे हुए, कोई सर उठा नहीं रहे कहीं सर को, हैं कोई उनको तरफ में देख रहे थे लेकिन कोई उसने बचाया नहीं, लेकिन जब देखा
कोई नहीं बचाए, अपना कपड़े को स्वयं पकड़ करके दांत को नीचे दबा करके कोशिश कर रही थी अपना लज्जा निवारण करने के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं कर पाई। लास्ट में उन्होंने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब त जीवन हारी, जब उन्हें दोनों भुजाओं को उठाए स्वयं भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी समाप्त नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी की कोई नारी, नारी बीच कोई साड़ी प्रकट हो गई। इसलिए क्या करनी, तीसरा शरणागति है रक्षिष्यति इति विश्वास हो, हमें पूर्ण विश्वास होनी चाहिए ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे, जरूर हमें ठाकुर जी रक्षा करेंगे, हमारी पूर्ण विश्वास हमारी होनी चाहिए ठाकुर जी का प्रति। जो चौथा है बोले गुप्तृते वर्णम तथा, भगवान के ऊपर ये पूर्ण विश्वास होनी चाहिए ठाकुर जी हमें जरूर पालन करेंगे, रक्षा करेंगे और हमें पालन करेंगे, ये विश्वास पूर्ण रूप में होनी चाहिए। जैसे श्रीवास और चार भाई थे, कोई धाम काम धाम कुछ नहीं करते थे, चार भाई चार पत्नियां और सारे बच्चे सब घर में बैठ जाते थे और मृदंग मजरा लेकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ये कोई काम धाम नहीं कर, सारा दिन हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, बोले भैया ये क्या हो रहा है, अरे तुम चार चार भाई है, तुम्हारी चार चार पत्नियां, फिर अपना बच्चे परिवार इतना बड़ा, कोई काम धाम नहीं, दिन भर ये ढोल मृदंग और मजरा लग रहा हरे कृष्ण बोल रहे हो, अरे तुम्हारी संसार कैसे चलेगी, इसके लिए थोड़ा बहुत चिंता करो, घर गृहस्थ कैसे चलेगी। जब इतना बोले ना, उन्होंने 3 बार अपना हाथ में ताली बजा दिए, बोले भैया मैं पूछ रहा हूँ संसार घर गृहस्थ कैसे चलेगी और 3 बार तुम ताली क्यों बजा रहे हो। बोले प्रभु आप गीता में प्रतिज्ञा किया ना, अनन्याश्चिन्तयन्त मां ये जनाः परिजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहाम्यहम्। आप भी तो गीता में बोले ये आपका प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिन्तयन्त मां जो हमारे अनन्य मतलब न अन्य और किसी की नहीं, एकांत रूप में मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ां। भक्ति कैसे होनी चाहिए, भगवान श्री कपिलदेव माँ को कह रहे हैं, बोले माँ भक्ति मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ां, मेरी जो भक्ति अनन्य रूप में, अनन्य मतलब न अन्य और किसी की नहीं, मनमना भव मन और किसी को नहीं, मन मेरे को दो, मत भक्त भव भक्त और किसी का नहीं, मेरे भक्त होनी चाहिए। पूजा माम जाजी,
बोले प्रणाम, बोले माम नमस्कुरु, केवल मुझे ही नमस्कार करो, फिर माम एससी, फिर मुझे ही प्राप्त करोगे। इसलिए भक्ति हमारी एकनिष्ठ भक्ति, हमारी एकनिष्ठ भक्ति, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवत प्राप्त नहीं होती, होनी चाहिए नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते मई अनन्न भावेन भक्ति कुर्वन्ति दृढ़ा, अनन्य भक्ति होनी चाहिए मेरे चरण में, हैं अनन्य भक्ति होनी चाहिए। इसलिए जो मेरे को अनन्य रूप में भक्ति करते हैं, मैं उनके लिए क्या करता हूँ, दो काम करता हूँ। घर में जो चीज़ नहीं, सर पर रख करके पहुँचाता हूँ, और घर में जो चीज़ है, मैं स्वयं एक दरवान बन करके उसका रखवाल करता हूँ। मतलब भगवान इतने बड़ी प्रतिज्ञा भक्त के लिए, इतने बड़ी प्रतिज्ञा ठाकुर जी लेते हैं, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ। प्रश्न होता है क्यों भगवान सर पर क्यों पहुँच जाएंगे, भगवान की इतने अनंत करोड़ सेवक है, कहते जिनकी एक इशारा होने पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, जिसके बोल एक इशारा पर, कहते जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वृणाम, हैं बोले जिनकी एक एक लोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बैठा हुआ, जिनकी एक इशारा होने पर कितने ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, फिर भगवान को जरूरत है किसी घर सर पर रख कर पहुँचाने के लिए, नौकर किया नहीं पहुँचा सकते, ठाकुर तो इच्छा करने पर नौकर पहुँचा जाएगा। तो उसको उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारी एक बच्चा है, तुम्हारी एक बच्चा है, अभी अब देखना बच्चा जब सो जाता है ना, अब उसको उठा कर खिलाना बड़ा कठिन है, वो सहज में उठ कर खाता नहीं। मैया घर में कोई नौकरानी हो, मैया बोल देगी, बोले मैया अगर बोल देती हैं तुम बेटा को उठाकर थोड़ा खाना खिला देना, मैया बोल देती हैं, लेकिन मैया को पता है कि बच्चा अगर सो जाता है, अब देखना बच्चे को दिन भर खेलता कूदता है, जो सो जाता है ना उसको उठाकर खिलाना बड़ा कठिन होता है, उसको मैया जोर जबरदस्ती एक और एक और एक और खिला खिला कर खाद खिलाती है। और माँ को पता है बच्चा कितना खाना खाने पर पेट भरेगी, किसको ये बात पता है, ये माँ को ही पता रहती है। इसलिए अगर असली माँ होगी ना, अगर किसी नौकर को बोल दे कि तुम खाना खिला देना, मैया की मन नहीं मानेगा, मैया को पता है बच्चे को उठा कर खिलाना बड़ा कठिन है, सहज में वो उठता नहीं, और कितना खाने पर पेट भरता है ये मैया को पता है, हैं? जब तक मैया अपना हाथों से बच्चों को खाना नहीं खिला देती है ना, उसका मन नहीं मानती। उसी तरह माँ के अंदर में जो ममता है, उससे करोड़ों गुण ज्यादा ममता भगवान के अंदर में। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, असली पिता माता तो ठाकुर हमारे। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य रूप में भजन करते हैं, जब तक मैं स्वयं अपना हाथों से उसको नहीं खिला देती हूँ, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता। क्यों? वो संपूर्ण रूप में मेरे ऊपर में भरसा करके बैठा हुआ है, मेरे ऊपर में भरसा करके बैठा हुआ। देखो आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बोले एक समय वृंदावन में पहले संत लोग घर में माधुकरी लेकर भजन करते थे, हैं ये रोसी फसी चक्कर में नहीं पड़ करके रोटी सब्जी ले आते थे और ला करके क्या करते थे, भजन करते थे वृंदावन में, भजन करते थे वृंदावन में। एक बार क्या हुआ, जिस समय में हमारे सुंदर गोपाल प्रभु सुनाया होगा आपको, कथा सुनाए ना, इसलिए उन्होंने एक बार क्या हुआ, जिस समय ये संत लोग जाएंगे माधुकरी करने के लिए जाएंगे, उसी समय में भारी जोर से आंधी और तूफान आ गई। इतने जोर से आंधी तूफान बरसात आ गई, अभी साधु लोग तो दिन में एक बार घर से निकलते हैं माधुकरी लेकर के, उसको भजन करते हैं माधुकरी लेकर के, अभी उसी समय में आंधी तूफान आ गई, अभी ये घर से कोई निकल नहीं पाए, और घर में बैठ करके माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कर, जोर से बोलो बोले हरे कृष्ण अभी बैठ करके भजन कर रहे हैं, लेकिन बैठ कर तो भजन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का प्रतिज्ञा है मेरे भक्त कभी भूखा नहीं रहते हैं, भले ही सारा दुनिया भूखा रह जाए लेकिन मेरा भक्त कभी भूखा नहीं रहता है। अभी क्या हुआ, राधा रानी कृष्ण को, कृष्ण राधा रानी को बोले थे अमुक स्थान पर हम दोनों मिलेंगे, और कृष्ण बोले आज मैं स्वयं आकर के तुम्हारे लिए कुंज बनाऊंगा। अभी कृष्ण स्वयं आकर के राधा रानी के लिए
कुंजा बना करके बैठे हुए। इतने में लेकिन टाइम हो गया, लेकिन राधा रानी आई नहीं रही है। कृष्ण तो बड़े विचलित तो हो रहे हैं, कभी कुंजा को बाहर जाए, कभी अंदर में आए, कभी बाहर जाए, कभी राह देखे, अभी तक राधा रानी नहीं आई। लेकिन इधर क्या हुआ, ये साधु लोग बैठ कर भजन कर रहे हैं, अभी राधा रानी को चिंता लग गई, देखो जो मेरे नाम ले रहे हैं मेरे बच्चे भूखे, और जगत का माँ है ना राधा रानी, इसलिए माँ कभी बच्चे का भूख भले ही खुद नहीं खाएगी, बच्चे को खाना खिला करके ही खाएगी। जब तक बच्चे को नहीं खाना, जैसे बच्चे सो गया, कोई बोले माँ तुम खा ले, मैया खा सकती है बिना बच्चे को खिलाए? अरे कोई बोले अरे खा लो ना क्या होता है, लेकिन कोई असली मैया होगी ना? बोले नहीं, जब तक बच्चे को हम ना ही खाना खिलाते हैं तब तक मैं भोजन कभी कर ही नहीं सकती हूँ। अभी देखे भक्त लोग वैष्णव लोग हरिनाम कर रहे बैठ करके, लेकिन भूखे बैठे हैं। तब राधा रानी अपने हाथों से रोटी बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाई और ले करके सब वैष्णव का घर घर में दे करके आई, और सब वैष्णव का जब खिला दी, राधा रानी तृप्त हो गई। फिर राधा रानी बड़ी देर से आई, जब देर से आई इतने में कृष्ण तो मुंह मोड़ कर बैठ गए। इतने में राधा रानी बोल रहे, भैया ये महात्मा को क्या हो गया, ये महात्मा को क्या मुंह क्यों मोड़ कर बैठी गई? सखी होने वाले क्यों, कितने समय में आप आने के लिए बताया था? बोले इतने समय में। बोले इतना देर तब क्या, कृष्ण कभी बाहर जा रहे कभी अंदर में आ रहे, इतने देर क्यों की? तब राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर, आप ही तो भगवद गीता में प्रतिज्ञा है ना, आपने तो किया, अनन्नश्चिन्तयन् तमाम ये जनाः परजुपासते ते सांग नित्याभियुक्तानां जुगाख्यं वाहम्यहम्। श्लोक किसने प्रतिज्ञा की है? आप ही तो प्रतिज्ञा की, जो अनन्य रूप में तुम्हारी भक्ति करता है उसका सारे जोगक्षेम तुम बन करते हो, जो चीज नहीं सर पर लेकर के पहुंचाते हो, जो चीज है स्वयं एक दरवान बन के रखा, इसको प्रतिज्ञा किसने किया? आपने किया। बोले हाँ। बोले जानते हो आज क्या हुआ? प्रतिज्ञा तो कर दिया, लेकिन आज तुम्हें पता है क्या हुआ? जिस समय ये वैष्णव लोग माधुकरी करने के लिए जाएंगे उस समय आंधी तूफान और बरसात आ गई, और ये वैष्णव लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं और तेरा नाम ले रहे हैं, हम हरे कृष्ण नाम कर रहे हैं, तुम्हारी हमारी नाम ले रहे हैं। बताओ जो हमारी नाम ले रहे हैं और हमारी भरसा में बैठे हुए और भूखे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए सारा विश्व, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, बोले भैया निश्चिंत होकर भजन करो, अगर खाना नहीं रहेगा ना मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट ले आऊँगा। कहते ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट में ले आऊंगा, तुम लोग कोई चिंता मत करो, भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास करते हुए भगवान की भजन करो, हरि नाम करो, कोई चिंता मत करो। राधा रानी खिलाने वाले श्री राधा रानी, बोले मैंने उनके लिए रोटी सब्जी लेकर के घर घर में दिला करके खिला करके मैं आ रही हूँ। कृष्ण जब इतना सुने, कृष्ण का हृदय तो द्रवीभूत हो गया, पानी पानी कृष्ण हो गए, राधा जी के चरण में गिर पड़े। हे राधे तू तो जगत की माँ, तू तो बच्चों को खाना खिलाती कौन है? पति भले ही कमा करके ले आती है, लेकिन बच्चों को खाना कौन खिलाती है? माँ खिलाती है। राधा रानी जगत की माँ श्री राधा रानी, इतना सुनते कृष्ण पानी पानी हो गए। इसलिए यहाँ पर जब महाप्रभु ने पूछे, बोले भैया कोई काम धाम नहीं कर रहे हो, दिन भर भजन कर रहे हो, माला कर रहे हो और भजन कर रहे हो, संसार कैसे चलेगा? महाप्रभु ने क्या बताया? अब भूल गए हो क्या? बोले महाप्रभु उन्होंने तीन बार उन्होंने ताली बजा दिए। बोले भैया तीन बार ताली क्यों बजाए? कारण है क्या? बोले प्रभु आप ही भगवद गीता में प्रतिज्ञा किए हो, अनन्य रूप में तेरे जो भजन करता है सब कुछ तुम देते हो, इसलिए पहला बार ताली इसलिए बजाया, मैं देख लूँगा तेरे नाम लेकर के तेरे भक्ति करके मेरे को कुछ मिलता कि नहीं, एक दिन में देख लूँगा। अगर एक दिन में नहीं मिलेगा दूसरा बार ताली बजाए। बोले क्यों? बोले दूसरे दिन में देख लूँगा तेरे नाम लेकर कुछ आता कि नहीं। बोले तीसरा बार ताली क्यों बजाए? बोले तीसरे दिन भी देख लूँगा तेरे नाम लेकर के कुछ हमें मिलता कि नहीं, तीसरे दिन भी देख लूँगा, अगर नहीं मिला है ना फिर मैं बोलूंगा इस कृष्ण से झूठ मूठ का बात बताया है, ये सब बेकार बात है, कुछ नहीं होता है। फिर तुम्हें गले में रस्सी बांध करके हैं, गले में पत्थर में रस्सी बांध करके गंगा में डूब मरूंगा। बोले भगवान सब झूठ मूठ का बात बताए। देखो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए,
इतने प्रसन्न महाप्रभु हुए, उसका पीठ पर हाथ थपथपाया, बोले बेटा तेरे को मैं वरदान देता हूँ, भले ही लक्ष्मी कभी दरवाजा दरवाजा पर भीख मांग सकती हैं, लेकिन तेरे घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगी, तेरे घर में कभी अभाव नहीं होगी। बोले श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, रक्षी सती इति विश्वास और गोप्तुते वर्णम तथा, गुप्ता मतलब होता है पालन करता है, जरूर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जरूर एक दिन हमें पालन जरूर हमें करेंगे, ठाकुर हमें पालन करेंगे। देखो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को देखो, उन्होंने भक्ति उन्होंने क्या किया बताओ, घर बार छोड़कर गए, खुद तो भरण पोषण हुआ, विश्व ब्रह्मांड को पाल रहे हैं, बड़े बड़े जैसे अक्षय पात्र जैसे निकला, जैसे इस कितने किसको कितने को खिचड़ी खिला रहे, कितने को भगवान की प्रसाद दे रहे, कितने को क्या कर रहे हैं, खुद तो खा रहे हैं, सारा दुनिया को, सारा दुनिया को खिला रहे हैं। भैया ये कोई काम धाम कर रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं रहे, दिन भर माला लेकर के हरे कृष्ण कर रहे हो तो कुछ कर ही नहीं रहे। और सांसारिक लोग देखना, पति भी काम करती हैं, पत्नी भी काम करती हैं, बेटा भी काम करती हैं, बहू भी काम करती हैं, सारा दुनिया तभी परिवार को भरण पोषण नहीं कर पाते तभी अपना परिवार को पाल नहीं सकते। और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल प्रभु का माला ही जप कर रहे हैं और खुद खा रहे हैं विश्व ब्रह्मांड को, सारा विश्व ब्रह्मांड को खिला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, रक्षी सती विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा, भगवान को पूर्ण रूप में गुप्ता मतलब पालन करता, भगवान हमें जरूर पालन करेंगे, ठाकुर जी हमें जरूर हमें पालन ठाकुर जी करेंगे। ये भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए। और आत्मनिक्षेप कार्पण्यम सड़वीध शरणागति, बोलो जो पंचमा शरणागति है आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मतलब तो होता है ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण शरणागति हो जाओ, ठाकुर जी के चरण में पूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में हमें शरणागति होनी चाहिए, हैं शरणागति होनी चाहिए ठाकुर का प्रति, तभी ठाकुर जी तभी हमारे लिए कुछ करेंगे। शरणागति कैसे होनी चाहिए, देखो जैसे द्रौपदी है ना, एक दिन द्रौपदी कृष्ण से प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु जिस समय दुशासन मेरी वस्त्र हरण कर रहा था, मैं आपको बड़ी देर से पुकार रही थी, लेकिन आप आने में इतने देर क्यों लगाई। कृष्ण ने कहा द्रौपदी तू झूठ मत कहा करो, तू सच सच बता, तू मेरे को केवल एक बार तुमने बुलाई तभी मैंने आया। बोले प्रभु ऐसे कैसे कह रहे हो, जब से दुशासन ने मेरे को घर से पकड़ करके चोटी को पकड़ कर घिसटते हुए जब से ला रहा था तब से मैं पुकार रही थी। बोले द्रौपदी सच बताना, झूठ नहीं बोलना। बोले बोलो। बोले ये बताओ, जब तेरे पास में दुशासन पहुंचा तुम क्या सोच रही थी, सही बता, झूठ मत गाओ। मैंने आधा रास्ता तक तेरे को रक्षा करने के लिए आया था, लेकिन मैंने वापस गया। बोले क्यों प्रभु जी। बोले तू सोच रही थी ये हीड़ा मेरा क्या कर लेगा, मेरे पांच पांच पति है, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर महाराज, तलवार में नकुल सहदेव जैसे कोई है ही नहीं, ये मेरे पाँच पाँच पति रहती, हीड़ा मेरा क्या कर लेगा, तू सोच रही थी ना। बोले हाँ प्रभु मैं सोच रही थी। और तब तुमको जो घिसड़ते हुए भरी सभा में लाए तो क्या कर रही थी, हाँ मेरे को पुकार तो रही थी लेकिन पतियों की तरफ में देख रही थी कि नहीं। बोले हाँ प्रभु देख रही थी। भगवान बोले जब तुमको इतने लोग रक्षा करने वाले, भैया मैं बीच में क्यों आता इसलिए आधा रास्ता में आकर मैंने वापस चला गया। बोले और थोड़ा नजदीक में भी आया तेरे को बचाने के लिए, फिर वापस गया। बोले फिर क्यों गए। बोले जब तुमने देखा ये पाँच पाँच पति तुम्हें रक्षा नहीं किया, तुम ये सोच रही थी यहाँ पर भीष्म पितामह भीष्म, एक अगर मुंह से कोई बोली निकल गया ना, उनको टालने वाले कोई नहीं, धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, अगर उसकी मुंह से कोई बोली निकल गई उसको कोई टाल नहीं सकते हैं, वहाँ पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हुए, एक से एक तुम्हारी गुरु वर्ग बैठे हुए थे, जब देखा ये लोग कुछ नहीं बोले तुम उनके तरफ में देख रही थी, मैं कुलवधू हूँ थोड़ी मेरे को विवस्त्र करने देंगे, ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, सोच रही थी कि नहीं। बोले हाँ प्रभु मैं सोच रही थी। बोले तुमको जब इतने सारे लोग रक्षा करने वाले, फिर मैं बीच में क्यों आता, इसलिए द्रौपदी और थोड़ा नज़दीक में आकर चला गया, और एकदम नज़दीक में आया था द्रौपदी तेरे को बचाने के लिए, तब भी मैं नहीं गया। बोले फिर क्यों गए।
बोले तुमने जब देखा पांच बाज पतिवर ने रखा नहीं की गुरु बरगर रखा नहीं की फिर तुम अपना कपड़े को स्वयं पकड़ कर रखी थी। बोले मैं साधारण घर के थोड़ी, मैं स्वयं अग्नि जा अग्नि से प्रकट हुई हाँ, स्वयं अग्नि से मैं साधारण, हम साधारण घर की बेटी ने राजकुमारी नहीं, मैं खुद को खुद अपना लाज को बचा सकती हूँ और दांत को नीचे कपड़े को दबा करके तू रखी थी, रखी थी कि नहीं? बोले हाँ प्रभु रखी थी। बोले द्रौपदी जब तुमको स्वयं रखा कर सकते हो फिर मैं बीच में क्यों आता द्रौपदी, इसलिए मेरे को फिर वापस जाना पड़ा। लेकिन जब तुमने देखा पति भी नहीं रखा करते हैं, गुरु वर्ग भी नहीं, स्वयं को स्वयं तुम रखा नहीं कर पा रहे हो, फिर तुमने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी, ठाकुर जी तेरे सिवाय और मेरे को कोई रक्षा करने वाले नहीं, जब दोनों भुजाओं को उठाए तब मैं स्वयं वस्त्र रूप में स्वयं में प्रकट हो गया। सारा दुनिया देख रहे थे कितने साड़ी साड़ी साड़ी, 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, वो साड़ी खींचते 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 लास्ट में वो गिर पड़ा बेहोश होकर के, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। इसलिए माता कुंती उत्तरा को कह रही हैं, बोले उत्तरा मेरा एक अजमाया हुआ बात तेरे को मैं बता रहा हूँ, अपना जीवन में जो अजमाया हुआ। तो उत्तरा कहती है बताओ। बोले अगर शरणागति होना ना केवल गोविंद के शरण में जा और किसी की चरण में नहीं, वो स्वयं कहती है मेरे अजमाया हुआ बात है, मैंने स्वयं देखा, मेरे अंदर में बड़े हिकड़ था, बड़े अहंकार था, गर्व था मेरे अंदर में, पांच पांच पति साधारण घर के में नहीं, लेकिन जब विपत्ति आती है ना ये दुनिया कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, केवल एक जो भगवान है वही केवल रक्षा करने वाले, ये मेरी जीवन की अनुभूति की बात है वो उत्तरा को कह रही है। इसलिए विपत्ति अवस्था में और किसी की शरण में नहीं जाना, केवल गोविंद को शरण में जाना, कृष्ण शरण में जाना, केवल वही तुम्हें रक्षा करने वाले, ये मेरी अपना अनुभूति की बात है, ये हमारी अनुभूति की बात है। ये दुनिया कैसे, आपको पूछेंगे भैया आप कैसे हैं, बोले जब तक जेब में पैसा है जब तक जेब में पैसा है ना आप कैसे, पैसा गन आप नहीं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, दूर से देखेंगे ना पैसा नहीं, मुंह मोड़कर दूसरे तरफ पे चले जाएंगे हैं, ये कुछ पैसा मांग नहीं ले, दुनिया बड़ा स्वार्थ का जीवन है, दुनिया बड़े स्वार्थ में जीवन है, लेकिन एक भगवान ही कृष्ण ऐसे है जो हमें हर अवस्था में, इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को कह रहे हैं, बोले बच्चों जब हम इंसान रूप में आते हैं तभी भगवान हमारा हृदय में परमात्मा रूप में तभी रहते हैं, जब हम टाटी के कीड़े बन जाते हैं ना ये दुनिया कोई हमारे साथ में नहीं रहता है, लेकिन हमारे साथ में कृष्ण कभी हमें किसी जीवन में कृष्ण हमें कभी त्याग नहीं देते हैं, टाटी के कीड़े बने तभी उस समय ठाकुर जी हमारा हृदय में, तब भी ठाकुर जी हृदय में रहते हैं। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसलिए कहते आत्मा निखेप कार्पण्य, कहते जो पंचमा जो शरणागति है भगवान के ऊपर में आत्मा समर्पण करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहते द्रौपदी जैसे करनी चाहिए, द्रौपदी जैसे आत्मा समर्पण संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में करनी चाहिए, जैसे श्री बलि महाराज में, बलि महाराज भी आत्मसमर्पण उन्होंने कृष्ण के प्रति उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, इसलिए बोले आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, कार्पण्यम मतलब होता है दीनता है दैन्य है, इसलिए महाप्रभु बोले त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सदाहरि, इसलिए ये चारी गुणे गुणी हैया करह कीर्तन, कहते चारी गुण में गुणी होकर के
त्रीन सभी ज्यादा दीनहीन, पेड़ सभी ज्यादा सहन, सभी को सम्मान दो, कभी सम्मान की भूखे मत रहो, हैं चिवर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। सभी के हृदय में कृष्ण का निवास है, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नितदास, सबके सब भगवान की सेवक है, मान करके सबका सम्मान दो, कभी स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो। कहते चारी गुणे में कुणी होकर के भगवत कीर्तन करने चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसलिए मैंने इतने सारे बात बताए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सड़ंगा शरणागति हई बेचार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। बोले भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? बोले जिसकी अंदर में ये छह शरणागति हो जाए, ठाकुर जी उसकी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए हम इस बात बताए, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन है, हैं नियम है, हमारी गोस्वामी लोगों ने जो कीर्तन किया, भक्त विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, प्रेमानंद ठाकुर, ये जो कीर्तन किया है ना, इस महापुरुष का परिकर है, सबके महापुरुष के परिकर है। जब हम कीर्तन करते हैं, नियम है, हम स्वयं नहीं कर रहे, ये भजन किसके है? नरोत्तम दास ठाकुर का। जब हम भजन करते हैं, गाते हैं, ये हमारी भजन नहीं, ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, वो कर रहे हैं। अगर हम स्वयं सोचेंगे भैया हम कीर्तन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं सुनेंगे, ठाकुर जी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। ठाकुर तो उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं जिनके अंदर में छह शरणागति है, इनके अंदर में छह शरणागति है, ठाकुर जी की परिकर है। अगर इनकी अनुगत्य में इनको पीछे पीछे, हमको ये भावना रहनी चाहिए, ये भजन ठाकुर जी को कौन कर रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। हम तो पीछे पीछे दोहार रहे हैं, पीछे पीछे केवल हम उसको रिपीट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तब ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। इसलिए नियम है, अब लोग जैसे हम बाहर जाते हैं ना, कभी हिंदी भजन बहुत गा लेते हैं, क्योंकि इसलिए उनका अगर बंगला बोलेंगे उनको समझ भी नहीं आएगा, बोले पता नहीं बाबा लोग गाली दे रहे हैं ज्यादा उनको जैसे भजन समझ में नहीं आया। इसलिए कभी कभी लोग को अट्रैक्शन करने के लिए धीरे 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 उनको, इसलिए हम बाहर हिंदी भजन गा लेते हैं, लेकिन जब हम एकत्रित अपना गोष्ठी में जब होते हैं, फिर वो हिंदी भजन को हम नहीं गाते, फिर हम उस समय ये बंगला भजन को गाते हैं। क्यों? ये भजन गाने पर ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, और ये प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं, लोचन दास ठाकुर कर रहे हैं, प्रेमानंद ठाकुर कर रहे हैं, इसको श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ये भजन गा रहे हैं। इसलिए ठाकुर को प्रार्थना सुनना ही पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए नियम है, हमें अपना घर में ये सब भजन को हमें भजन को ही गानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए श्री ये भजन किसका है? श्री, इसमें उन्होंने पूरा वैष्णव का क्या महिमा है, वैष्णव है कौन, उनका क्या क्या गुण है, ये एक भजन में उन्होंने वैष्णव का सारे महिमा को उन्होंने इसी भजन में गाए हैं। इसलिए एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिने कह नहीं। कहते वैष्णव लोग कैसे हैं? बोले पतित पावन है, पतित को ये पावन करने वाले श्री ये वैष्णव लोग है। इसलिए बोले कहार निकट गले पाप, गंगार निकट गले पाप धुरे जाए। जब हम गंगा में जाए स्नान करे तब जाकर पवित्र होते हैं, लेकिन दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण। वैष्णव का इतने महिमा, एक वैष्णव की इतने महिमा, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, एक वैष्णव जहाँ पर जन्म लेता है, बोले ताहार प्रभावे कोटि योजन निस्तारे। बोले एक वैष्णव अगर कहीं जन्म हो गया, करोड़ों योजन तक वो निस्तार कर लेता है। जब वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, स्वर्ग में देवताओं को कल्याण होता है। उनकी जो दृष्टि, उनका दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं, कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, उनका दिव्य दृष्टि, उनकी आंखों में कृष्ण प्रेम बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। जब उन्हें चारों तरफ में देखते हैं, दृष्टि करते हैं, जितने दूर तक उनको दृष्टि जाती है, सर्वत्र पवित्र हो जाता है, सारे पवित्र हो जाता है केवल उनकी दृष्टि जाने पर। मैं शायद कथा में सुना रहा था, एक वैष्णव, देखो उसका दृष्टि से तो कल्याण है, कोई वैष्णव शरीर छोड़ा, किसी जंगल में उनका दाह संस्कार किया, जब संस्कार किया वो जंगल में कुछ भूत लोग रहते थे, प्रेत लोग रहते थे, जब उनकी दाह संस्कार किया उसमें एक प्रेत किया हुआ, वो किसी काम के लिए कहीं चला गया था, और उनका पूरा परिवार प्रेत का परिवार थे, लेकिन जब वो भक्तों को वैष्णव को वहाँ दाह संस्कार की, उसका शरीर से जो धुआं निकली है ना,
वो जंगल में जितने भूत थे सबके से मुक्त हो गए। केवल उनकी जिनका जो शरीर वैष्णव का अपराकृत है, वैष्णव शरीर अपराकृत है, इसलिए वो शरीर का धुआं से वो मंदिर जितने जंगल में भूत सबके सब उधार। एक भूत कहीं से बाहर चला गया था, वो जब आईना देखा उसका परिवार कोई है नहीं, खाली परिवार। बोले भैया हमारे परिवार कहाँ गए, हमारे परिवार कहाँ गए। पता चला किसी साधु को ला करके यहाँ संस्कार करवाया था और उसका शरीर से जो धुआं निकली ना उससे सारे परिवार खत्म। बोले भैया मैं तो अकेला हो गया, मेरी कैसे मुक्ति होगी। जहाँ पर उनको दाह संस्कार कराया था उसी रज में आकर लौट पट खाया तो उसका भी उद्धार हो गया। इसलिए एक वैष्णव जब जन्म ग्रहण करता है उनकी चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी अपना को धन्य धन्य मानती पृथ्वी है। इसे बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा बसतीश्च धन्या। एक वैष्णव की जन्म लेने पर कहते कैसी पीढ़ी उद्धार होते हैं, पूर्व जो लोगों को उद्धार हो जाते हैं, मातृ पिता की को कल्याण हो जाती है, जिसे जमीन पर जन्म ग्रहण कर उसका भी कल्याण हो जाता है। एक वैष्णव अगर कहीं एक देखो स्वामी महाराज को तो एक वैष्णव हुए हर विश्व को कल्याण कर दी, सारा दुनिया को उन्होंने महाराज जी सारा दुनिया को कल्याण कर दिया। इसलिए इसी भजन में पूरा वैष्णव वैष्णव की बहुत सारी महिमा। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी अभी आपको थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे हमारे से सुंदर गोपाल प्रभु। ठीक है बोले वांछा कुल दुर्वेश कृपा सिंधु भाई बचा कथित क्या श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। बोले कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया, कबे आमी पाई बाबे सब पाद छाया। कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया, कबे आमी छाड़ी बे, कबे आमी छाड़ी बे विषय भी माना, कबे विष्णु जने आमी गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णवेरावेदने कृष्ण दया माया, पमर प्रति अविना सदा वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माया, हे न पामर पति अविना सदा वैष्णवेर गलबा
पात्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंत त्रिणकारी दारा एव निष्कपते कलवस्त्रकृतांजलि देनम निवेदन वैष्णव चरणी कृपा करी संग श्री चैतन्य मोरे I'm
हरे कृष्णा। ये जो भी हम कीर्तन गा रहे थे, महाराज जी ने बड़ा सुंदर समझाया कि कैसे जो प्रार्थना होती है, अभी भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं हैं। भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? जिसकी शरणागति हो चुकी है, जो शरणागत भक्त है। तो ये जो भी हमने दूसरा कीर्तन गाया, ये भी उसी के अनुरूप है। इसकी अगर आप लाइन पढ़ोगे, सेकंड लास्ट लाइन, उसमें आता है वैष्णवीर आवेदने कृष्ण दयामय, जिसमें कह रहे हैं वैष्णवीर आवेदने कृष्ण दयामय ए हेन पामर प्रति हबे न सदय, जिसमें बता रहे हैं कि वैष्णवीर आवेदने कृष्ण दयामय, कृष्ण की दया कैसे मिलेगी? मोबाइल साइलेंट कर लीजिए प्लीज। भगवान कृष्ण तो दयावान है, लेकिन उनकी दया मिलेगी कैसे? उनकी दया को प्राप्त करने का एक इसमें सबसे सरल उपाय बता दिया, क्या? गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे। जब हम वैष्णवों के पास जाते हैं तो हम गल वस्त्र, मतलब अपने हाथ गले में एक गला वस्त्र होता है, गल वस्त्र जिसे बोलते हैं, तो दुपट्टा, दुपट्टे से याद आया, जैसे हम लोग दुपट्टा पहनते हैं। अभी सर्दी के समय नहीं पहना, शॉल उड़ी हुई है, वरना गर्मी में हमेशा दुपट्टा पहन के रखते हैं। हाँ, इसलिए आप लोग भी जैसे देखना, इसी दुनिया में अगर कोई अपराध करता है ना, देखना लास्ट में गांव में बोलते थे, भैया गले में दुपट्टा डाल करके माफी मांगो। जब गोपियों ने गोपी गीत को गाई, जब गोपी गीत की समाप्त हुई, कृष्ण आप देखना फटो में वहां पर बताए, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी सख्यात मनमत मनमता। वहां पर कृष्ण जब प्रकट हुई, आप देखना गले में गलवेनिया डाल करके और गोपियों के पास में माफी मांगते हुए, हे राधे हे राधा रानी, मैंने अपराध किया है, मेरे अपराध को माफ करो। इसलिए भगवान महाप्रभु को देखना, कृष्ण को देखना, गले में बगैर दोपट के रहते नहीं। इसलिए गले में हमारे गौड़ीय मठ में नियम है, हर ब्रह्मचारी सन्यासी होता है तो उत्तरी होता है, गले में डाल, ब्रह्मचर्य को खाली गले में नहीं रहनी चाहिए, जरूर उनके गले में दुपट्टा होनी चाहिए। दुपट्टा मतलब है दीन निभाव, हम ठाकुर जी की हम सेवक है, ठाकुर जी के हम सेवक है। इसलिए इस भजन में जैसे पशु के गले में पट्टा होता है ना, तो मालूम हम अपने गला को, गले में जो गल वस्त्र है उसको ऐसे करके वैष्णवों के हाथ में दे दिया कि अब हम आपके पास आ रहे हैं गल वस्त्र। जैसे बता रहे हैं जो कृष्ण आए थे, उस श्लोक में बताया कि कृष्ण अपने पिताम्बर को हाथ में ऐसे पकड़ के आए थे, जैसे मानो ऐसे यूं है, ऐसे दुपट्टा है, तो दुपट्टे को दोनों दोनों और आगे करके ऐसे हाथ पकड़ते हुए।
तो अभी एक प्रसंग याद आया कि जब हम दुपट्टा पहन के रखते हैं, एक बार ही किसी माता जी ने पूछा, आप लोग दुपट्टा क्यों पहनते हो? हमने कहा आपने पहनना छोड़ दिया इसलिए हम लोग पहनते हैं। तो खैर, इस कीर्तन में कह रहे हैं कि वैष्णव के पास ऐसे जाना चाहिए। फिर वैष्णव क्या करेंगे, वैष्णवेरे आवेदने कृष्ण दयामय। जब वैष्णव फिर हमें क्या करेंगे, कृष्ण के चरणों में सौंप देंगे, तब जाके कृष्ण की दया होगी। यानी कि जब हम भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे तो कृपा नहीं मिलेगी। कैसे जाना पड़ेगा, वैष्णवों के आवेदन से जाना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं पे कोई किसी की जान पहचान हो तो उसकी जान पहचान लगाओ तो काम बन जाता है। तो कह रहे हैं भगवान के पास केवल एक अप्रोच चलती है, कौन सी, वैष्णव की। वहाँ कोई धन की अप्रोच चलेगी नहीं, वहाँ पे कोई प्रतिष्ठा की अप्रोच चलेगी नहीं, कोई अप्रोच नहीं चलेगी। भगवान के पास केवल एक अप्रोच चलेगी, कौन सी, वैष्णवों की। तो इसलिए कह रहे हैं वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय। कृष्ण की जो कृपा होगी वो डायरेक्ट नहीं होगी, वो तब होगी जब आप किसी वैष्णवों के अनुगत्य में जाओगे। बिना वैष्णव के अनुगत्य में जाने से कृपा ही नहीं मिलेगी। जिसको मैं सोच के आया था कि अगर नेक्स्ट वेडनेसडे जब भी जाऊंगा तो ये श्लोक आपको याद कराऊंगा, क्योंकि हम एवरी वेडनेसडे एक बंगला प्यार याद करते हैं, तो इसको भी सुन के रख लेते हैं। जिसकी मेधा शक्ति प्रबल होगी वो सुन के शायद याद भी कर ले, बड़ा सरल है, नहीं तो अगली वेडनेसडे इसको याद करेंगे। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाई, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाई, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं शाये, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं शाये। कह रहे हैं महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाई। जब तक किसी महत की कृपा नहीं होती, जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती, कोनो कर्म भक्ति नहीं। आप कुछ भी कर लो भक्ति होगा ही नहीं। अगर हम मंदिर जाएंगे तो भी भक्ति नहीं होगा, कह रहे नहीं होगा। माला करोगे तब भी नहीं होगा, कह रहे नहीं होगा। दंडवत परिक्रमा करेंगे, गिरिराज जी के पास जाएंगे, वो भी नहीं होगा, कह रहे नहीं होगा। शास्त्र कह रहे हैं महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं, भक्ति होगा नहीं। अगर गिरिराज जी की परिक्रमा से भक्ति हो जाएगा तो भैया रिक्शे वाला तो पूरा जीवन ही परिक्रमा करता है, उसको तो भक्ति मिली नहीं। बंदर तो बेचारे वहीं पे पले, वहीं बड़े हुए और वहीं प्राणों को त्याग दिया, उनको भी भक्ति मिलती नहीं है। कह रहे हैं जब तक महत की कृपा नहीं होगी कोई भी कर्म भक्ति नहीं होगा। कृष्ण भक्ति दूरे रहो, अरे भैया भक्ति तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो, कृष्ण भक्ति को तो साइड करो, वो तो बहुत दूर की बात है। संसार नहीं शय, संसार की वासना भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है सबसे पहले क्या होता है, उसकी संसार की जो वासना है वो कम होती है। तो कह रहे हैं भैया आपकी संसार की वासना भी कम नहीं होगी, कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण क्या मिलेंगे। तो इसलिए कह दिया कि वैष्णवों के आवेदन से ही भक्ति मिलती है। हम इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। जब राम जी जा रहे थे वनवास में, राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करके जितने भी वन में वहां पे जन थे सब उस परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए, यानी कि वैकुंठ जाने के अधिकारी हो गए, राम की भक्ति मिलने के अधिकारी हो गए, लेकिन भक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि राम जी की डायरेक्ट कृपा हो रही है ना, वैष्णव तो है नहीं, तो राम जी ने उनको कृपा करके अधिकारी बना दिया कि तुम अधिकारी हो गए हो, लेकिन अभी भी उनको राम जी की भक्ति नहीं मिल रही है। फिर जब भरत जी को पता चला राम जी चले गए तो भरत जी पीछे पीछे आए, तो उन्होंने जब भरत जी के दर्शन करे तब उनको राम का प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो गया। तो अधिकारी तो हो गए थे ब्रह्मपद के, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ था। प्राप्त कब हुआ, जब भरत जी की कृपा मिली। फिर एक उदाहरण दिया सूरदास जी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा सूरदास। उनका पहले नाम था सूर स्वामी। आगरा के पास एक गाँव है, उसका नाम है, उसका गाँव का नाम भी अगर वन करके है। वहाँ पे एक गाँव है, उस वन में एक छोटा सा गांव है, वहां पे सूर स्वामी रह के भजन करते थे। तो सूरदास जी बहुत प्रबल भजन करते थे। वहां पे एक दिन पहुंचे वल्लभ आचार्य जी, जो उनके गुरु लगते हैं। अभी उनका हरिनाम दीक्षा कुछ भी हुआ नहीं है। उन्होंने बोला कि हमने सुना है कि तुम्हारा कंठ बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे अच्छे पद गाते हो, थोड़े पद सुनाओ। जब उन्होंने पद सुनाए उसमें कोई ठाकुर का नाम ही नहीं है, सारे पद ऐसे सुना रहे हैं कि भगवान जो है दीन वत्सल है, दीन पे कृपा करते हैं, हम तो दीनहीन है, हम पे कृपा करेंगे, ऐसे पद सुना रहे हैं। तो उनको उनके गुरु वल्लभ आचार्य जी बोले कि भैया ये तो सब ठीक है, उन्होंने तीन पद सुनाए थे, बोले ये तो ठीक है लेकिन कोई ऐसा पद तो सुनाओ जिसमें कृष्ण की लीला का नाम आए, यशोदा मैया का नाम आए, ब्रजवासियों का नाम आए। ये तो बड़ा खुश, मतलब ड्राई ड्राई हो गया, कुछ रस तो सुनाओ, कुछ रस तो आना चाहिए, इतने अच्छे कवि हो और कोई रस की कथा ही नहीं सुना रहे हो, कुछ कृष्ण लीला सुनाओ। बोले प्रभु वो तो मुझे आती नहीं है। कह रहे इतना भजन करते हो तब भी आता नहीं है? कह रहे नहीं मुझे आता नहीं और मेरे हृदय में कभी स्फुरित हुआ भी नहीं। बोले अच्छा एक काम करो, यमुना जी स्नान करके आओ। यमुना जी स्नान करके आए, उनको मंत्र दीक्षा दिया। मंत्र दीक्षा जब उनको दिया बोले अच्छा अब कल सुनाना,
अब जब उन्होंने मंत्र दीक्षा ली, उनको भागवतम की जितनी भी सारी लीला है उनके हृदय में स्फुरित होने लगी, और अगले दिन से सारा वो बंद कर दिया और कौन से गाने शुरू कर दिए, केवल नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रज के कृष्ण, उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाएं गाने शुरू कर दी। तो उससे पहले भी तो भजन करते थे, लेकिन कृपा हुई, कृपा तो हुई नहीं, कब हुई, जब वैष्णव की कृपा हुई। इसलिए कहते हैं कि जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगी तब तक संसार भी क्षय होगा नहीं। हमारे एक और चैतन्य महाप्रभु की लीला में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही उनके हृदय में बहुत वैराग्य था, और किसके पुत्र थे, उनके जो पिताजी थे उनका जो राज्य था बताया इंद्र के समान, उनके पास ऐश्वर्य था, पत्नी कैसी थी, अप्सरा से भी सुंदर उनकी पत्नी थी। घर बार छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए, और महाप्रभु के पास जब चले गए तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस घर भेज दिया। बोले नहीं नहीं वापस घर जाओ, बातुल मत बनो, यानी कि पागल मत बनो, मरकट विरागे नाकर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनसक थैया। संसार में रहो और जो विषय वस्तु है उसको यथा योग्य, उसका यथा योग्य उसको यूज करो, और अभी संसार छोड़ना नहीं है। अंतर निष्ठा करी भाई, ये लोक व्यवहार अंदर निष्ठा रखो लेकिन बाहर से सबके साथ लोक व्यवहार करो और वापस घर चले जाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आ गए, महाप्रभु ने उनको वापस भेज दिया। सोचो संसार त्याग के आए हैं और महाप्रभु उनको वापस बोल रहे हैं कि नहीं वापस घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि अभी उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली थी, और जब उनको पता चला उनके घर के पास में नित्यानंद प्रभु आए हैं तो वो नित्यानंद प्रभु के पास गए। जब नित्यानंद प्रभु के पास गए तो नित्यानंद प्रभु ने बोला देखो सामने चोर आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान किसकी संपत्ति है? नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। ठाकुर किसकी संपत्ति है? वैष्णवों की संपत्ति है। अगर वैष्णवों के बिना ठाकुर जी के पास जाओगे तो क्या आप खिलाओगे? चोर भैया जिसकी संपत्ति है पहले उससे तो पूछोगे ना, मालिक तो वो है। तो भगवान खुद बोलते हैं मेरे मालिक कौन है? वैष्णव मेरे मालिक हैं। तो वहां पे उनको बोले कि ये चोर आ गया, इसको दंड देना पड़ेगा। तो वहां पे उनको दंड दिया, और भक्ति में दंड भी बड़ा अच्छा होता है। उनको दंड क्या दिया? बोले जितने मेरे भक्त हैं सबकी सेवा करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पे जितने भक्त थे सबको दही चिड़वा खिलाया। अब जब दही चिड़वा खिला दिया, अब नित्यानंद प्रभु के पास गए तो नित्यानंद प्रभु ने अब उन पे कृपा करी। अब नित्यानंद प्रभु ने उनको पता है क्या बोला? जा तेरा संसार ध्वंस हो जाए। क्या बोला? जा तेरा संसार ध्वंस हो जाए। मानो हम किसी साधु के पास जाए, उसको प्रणाम करें, हाथ में कुछ प्रणामी भी दें, कुछ फल फूल भी दें, और वो बोले जा तेरा संसार ध्वंस हो जाए, हम क्या बोलेंगे? हम उसको कृपा समझेंगे? हम कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग जानते ही नहीं कृपा होती क्या है। हम बोलते हैं ना कृपा करो कृपा करो, अगर वास्तविक में हम पे कृपा करें हम उसको कृपा को ग्रहण ही नहीं करना चाहते। ये वास्तविक कृपा होती है। इसलिए इस कीर्तन में देखो स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं, कबे आमी छाड़ी बो ए विषय अभिमान। दूसरी पंक्ति, कबे आमी छाड़ी बो ए विषय अभिमान। कब ऐसा होगा कि मैं संसार के विषय अभिमान को छोड़ दूंगा? कब ऐसा होगा कि मैं संसार को त्याग दूंगा? ये वास्तविक कृपा कि हमारा संसार से वैराग्य होना। अब जब नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा करी तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी दोबारा से घर को त्याग करके जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया। और अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ तुम उस संसार रूपी मल को छोड़ के आ गए। संसार की तुलना मल से कर रहे हैं, कह रहे उसको छोड़ के आ गए। पहले तो बोले नहीं थे, पहले बोले थे वापस चले जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं मिलती, जब तक वैष्णव की कृपा नहीं मिलती हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। एक बड़ा अच्छा उदाहरण और दिया महाप्रभु की लीला में से, और एक सूरदास जी का एक और। जब सूरदास जी रोज श्रीनाथ जी के लिए पंक्तियां गाते थे तो एक दिन सूरदास जी जब ऊपर पंक्ति गाने जाएंगे मंदिर में, पहले तो श्रीनाथ जी गिरिराज जी के वहां पे थे, गोवर्धन में थे, तो वहां पे नीचे एक फूल वाला था। फूल वाले को बोले चलो आज हम श्रीनाथ जी के दर्शन करने चलेंगे। तो फूल वाला बोला मेरा तो पूरा जीवन हो गया, मैंने कभी दर्शन ही नहीं करे। तो सूरदास जी बोले भाई कैसे व्यक्ति हो जिसका खाते उसके भी दर्शन नहीं करे, जिसके नाम का खाते हो रोज फूल माला बेचते हो उसके एक बारी तो दर्शन करने चाहिए। कह रहे मेरा पूरा जीवन चला गया, सुबह आता हूँ माला बेचता हूँ और जब शाम को माला आखिरी बेचता हूँ तब तक दर्शन ही बंद हो जाते हैं, दिन में समय नहीं मिलता गल्ला छोड़ के जाने का। तो सूरदास जी बोले नहीं आज चलो आज दर्शन करेंगे। अब जैसे ही सूरदास जी उसको लेके गए दर्शन के लिए तो श्रीनाथ जी ने अपने पट बंद कर दिए और पुजारी को बोल दिया कि जब तक ये सामने खड़ा रहेगा मैं पट्टी नहीं खोलूंगा। तो सूरदास जी के पास खबर पहुंची कि अभी तो दर्शन होंगे नहीं और ठाकुर जी कह रहे जब तक ये खड़ा रहेगा और दर्शन होंगे नहीं। सूरदास जी बोले अगर उनकी प्रतिज्ञा तो हमारी भी प्रतिज्ञा, हम तो इसको दर्शन करवा के रहेंगे। तो सूरदास जी का अब समय आया जब वो भजन गाते हैं ठाकुर जी के लिए, तो वो भजन ही नहीं गा रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे भाई तुम भजन क्यों नहीं गा रहे? कह रहे तो आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अगर आप दर्शन दोगे तभी मैं भजन गाऊंगा।
बोले मैं दर्शन सबको दूंगा लेकिन इसको नहीं दूंगा, इसका पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन ही मेरे यहाँ तक आया, इसने इतनी फूलों की माला बेची, एक बार भी मेरा दर्शन करने नहीं आ सकता था, दुनिया कहाँ कहाँ से आती है और मेरे नाम का खातिर कभी दर्शन करने नहीं आया, इसलिए मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा। सुधा जी बोले ठीक है, जब तक आप दर्शन नहीं दोगे हम भी कीर्तन नहीं गाएंगे। अब जब कीर्तन नहीं गाएंगे तो भगवान वो हो गए कि नहीं, सूरदास के तो पद गाने हैं, उनको भगवान को आनंद आता है, तो उनके आदेश से भगवान को क्या किया, उसको दर्शन देने पड़े। इसलिए कह रहे हैं वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, जो कृष्ण की दया है वो तब होती है जब हम वैष्णवों के पीछे पीछे चलते हैं, धाई तब पाछे पाछे, उनके पीछे पीछे चलना। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, चैतन्य महाप्रभु के समय एक भक्त थे, नवदीप में रहते थे, उनका नाम था देवानंद पंडित। क्या नाम था? देवानंद पंडित। ये पंडित थे, भागवत का पाठ पढ़ते थे और भागवत का पाठ पढ़ते थे और इनके बहुत सारे शिष्य थे, सबको भागवत सिखाते थे, भक्ति की सारी क्रियाएं करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब ये भागवत पढ़ रहे थे तो इनकी सभा में श्रीवास पंडित आए, जिसके बारे में भी महाराज जी बता रहे थे ना, जिन्होंने तीन ताली मारी। हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये श्रीवास कौन है? नारद जी हैं, महाप्रभु की लीला में श्रीवास के रूप में आए हैं। जब श्रीवास जी वहाँ पे बैठे और उन्होंने देखा भागवत हो रही है और भक्तों को तो भागवत मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, वो भागवत कथा में बैठ गए। अब जब भागवत कथा में कृष्ण की कथा सुनी, उसको सुन के उनके हृदय में एक रोमांच उत्पन्न हुआ और वो रोने लगे। अब जब रोने लगे तो वहीं जमीन पर लोटपोट भी करने लगे जैसे बच्चे करते हैं। अब वहाँ पे जितने उनके सारे शिष्य बैठे थे, उन्होंने देखा भैया तुम्हारी भागवत में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हम लोग आराम से भागवत सुन रहे हैं और ये कथा के बीच में रोते हैं, कथा के बीच में ही हंसते हैं, कथा के बीच में लोटपोट करते हैं। तो वो जो उनके शिष्य थे उनके भाव को नहीं समझ पाए कि तुम तो भागवत सुन रहे हो लेकिन भागवत का फल तो यही है रोना, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। तो उनके शिष्यों ने क्या किया, उनको उठा के बाहर फेंक के आ गए, वो उठा के पूरा बाहर पटक के आ गए और वापस आके गुरुजी को बोला अब भागवत फिर से सुनाओ, और सुनने लग गए। तो वहां पे अपराध हो गया देवानंद पंडित का, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य को रोका ही नहीं कि भैया इतने बड़े महापुरुष आए हैं जो कथा सुन के जिनके हृदय में रोमांच आ रहा है और उनको तुमने क्या किया, बाहर छोड़ के आ गए। अब जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली तो महाप्रभु इतने क्रोधित हुए और बोले मैं देवानंद पंडित की भागवत फाड़ दूंगा, भागवत तो कृष्ण स्वरूप है और वो तो भागवत ही पढ़ रहे हैं, और महाप्रभु इतने क्रोधित होकर बोल रहे हैं मैं उनकी भागवत को फाड़ दूंगा, वो भागवत के बारे में कुछ नहीं जानते। अब देवानंद पंडित का अपराध भी हो गया और भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति के अंगों का तो पालन कर ही रहे हैं लेकिन भक्ति तो नहीं मिल रही ना, भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, धामवास भी कर रहे हैं, नवदीप में रह रहे हैं। अब क्या हुआ, एक दिन सौभाग्यवशत उनको संग मिला वक्रेश्वर पंडित का। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के एक ऐसे परिकर थे जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु एक बात बोलते थे कि मेरे को भगवान ने एक पंख दिया है, एक पंख, वो है वक्रेश्वर पंडित, अगर मेरे को कृष्ण एक और पंख देते तो मैं हवा में उड़ता, यानी कि वो इतने उन्नत भक्त थे वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के कीर्तन में 3 दिन 72 घंटे लगातार नृत्य करते थे बिना रुके, 72 घंटे। इसलिए कई बार ये हमारे गुरुवर जब देखते हैं ना कि कोई बहुत सेवा करता है तो उसकी उपमा देते हैं कि तुम तो वक्रेश्वर पंडित की तरह हो, वो बहुत नृत्य करते थे। तो एक दिन वक्रेश्वर पंडित उनकी कथा में आए और देवानंद पंडित जी ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा करनी शुरू करी। उनकी सेवा करते 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 कुछ दिनों के बाद उनकी सेवा करते करते इनके हृदय में भी भक्ति का उदय हुआ। अब जब इनके हृदय में भक्ति का उदय हुआ तब इनको समझ में आया कि कैसे मैंने पहले अपराध कर दिया था, किसके चरणों में? श्रीवास के चरणों में। और वो अपराध उनका क्षमा कैसे हुआ, किसकी सेवा करने से? वक्रेश्वर पंडित की। यहाँ पे देखो एक सिद्धांत है, कई बारी हम जाने अनजाने में कोई वैष्णव के चरणों में अपराध भी कर बैठते हैं लेकिन कभी जब हमें उन्नत संग प्राप्त हो और हम उनकी सेवा करते रहे तो सेवा करते करते हमें रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैंने कभी अपराध किया था, और उनकी सेवा करते करते जो हमने पूर्व में अपराध किए वो कैसे होते हैं, वो क्षमा हो जाते हैं। तो वहाँ पे वक्रेश्वर पंडित की सेवा करते हुए उनके हृदय में भक्ति का उदय हुआ और उनको तब समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उससे पहले आता ही नहीं था। तो उससे पहले भी तो वो भक्ति करते थे लेकिन भक्ति उनके जागरी थी नहीं, जागरी थी कब जागी, जब उन्होंने किसकी सेवा करी? वक्रेश्वर पंडित की सेवा करी। इसलिए बोला कि महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं, जब तक किसी महत की कृपा नहीं होगी कोई भी कर्म भक्ति कहलाएगा ही नहीं, संसार भी क्षय होगा नहीं। तब जाके फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा किया और महाप्रभु ने उनको फिर कृष्ण प्रेम दान किया। इसलिए हमें हमारे गुरुवर एक बात बोलते थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण आश्रित, वो बोलते थे कि हम लोग भगवान की सेवा करने नहीं आए, हम लोग तो वैष्णवों की सेवा करने आए हैं, क्योंकि वैष्णव की सेवा करने से भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगी और अभी हमें भगवान की सेवा करनी आती भी नहीं है,
वैष्णवी तो सिखाएंगे कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है, इसलिए बोलते थे कि हम तो वैष्णवों की ही सेवा करेंगे। हमारे महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। इसका समय था जन्माष्टमी का समय, जन्माष्टमी के समय था और कलकत्ता में जो मठ है वहाँ पे रजनीगंधा के बड़ी सुंदर ठाकुर जी के लिए माला तैयार करके रखी हुई थी कि अब शाम को जैसे ही पट खुलेगा तो ठाकुर जी को रजनीगंधा की फूलों की माला पहनाएंगे जन्माष्टमी के समय। उसी समय महाराज जी के गुरु जी भक्ति स्वरूप सिद्धांती गोसाई महाराज जी के कुछ गुरु भाई उनसे मिलने के लिए आ गए। जब मिलने के लिए आ गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जितनी भी माला है ये सारी वैष्णवों को पहना दो। तो सब लोग बोले जन्माष्टमी का समय है, इतनी मोटी मोटी माला बनवाइए ठाकुर जी के लिए और कह रहे हो वैष्णवों को बना दो, क्योंकि उस समय और कोई माला उपलब्ध ही नहीं थी। कह रहे वैष्णवों को बनाने से भगवान के पास अपने आप पहुंच जाएगी, वैष्णवों को ही दे दो। तो इसलिए उन्होंने आदर्श दिखाया कि कैसे वैष्णवों की जब हम सेवा करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, तब जाके वास्तविक में हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि ठाकुर जी से कुछ भी मांगना हो तो सिर्फ एक ही वस्तु मांगना कि मुझे रसिक वैष्णवों का संग मिले, और कुछ कभी मत मांगना। एक ही कामना रखना कि मुझे रसिक वैष्णवों का संग मिले। श्रीमद् भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत में जितने भक्तों का चरित्र है, जितने भी भक्तों का चरित्र है, ध्रुव महाराज ले लो, प्रहलाद महाराज ले लो, जड़ भरत ले लो, यहाँ तक कि और तो कहना क्या गोपियों के बारे में देख लो, जितने भक्त हैं सब भक्तों ने भागवतम में एक ही कंठ से एक ही प्रार्थना करी है। सब ने एक ही प्रार्थना करी है भागवत में कि भगवान हमें आपके भक्तों का संग मिले, और कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। सब भक्तों ने सिर्फ एक ही प्रार्थना करी है, हमें आपके भक्तों का संग मिले। तो हमें हमारे गुरुवर सिखाते हैं कि बस एक ही प्रार्थना रखो भगवान से कि हमें हमेशा आपके भक्तों का संग मिलता रहे। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी आप सब लोग खड़े हो जाइए। उसमें भक्त महाराज का नाम पड़ा है। एक श्लोक कहते हैं, कहते रघुगण न तपस्या न जाति न इजया न निर्वाप न गृहत्वा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजभिषेकम्। देखो इसको श्री जीव गोस्वामी बहुत अच्छी बात बताए। एक समय भगवान कृष्ण सारे वेद पुराण उपनिषद को बुलाया। भगवान कृष्ण ने सबसे एक प्रश्न करते हैं, बोले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताओ प्रभु क्या, किसको प्रश्न कर रहे हैं? जितने वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत, कौन प्रश्न कर रहे हैं? कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं। बोले मेरे के प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? भक्ति की डेफिनेशन बताओ, और भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय और भक्ति का डेफिनेशन क्या बताओ? पहले वेद को खड़े कर दिया, वेद भी बड़े बड़े लेक्चर दिया, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सुरय, बड़े बड़े ऋषि लोग वो परम पद भगवान को दर्शन करते रहते हैं, वो बड़ी बड़ी लेक्चर वेद का जितनी सब ऋचाओं को एक एक उच्चारण किया। भगवान ने कहा तुम बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन मैं जो बात पूछना चाह रहा था ना उसका सही आंसर मेरे को नहीं मिला, तुम बैठ जाओ। फिर उन्होंने उपनिषद को खड़े कर दिए, बोले उपनिषद तुम बताओ। वो भी उन्होंने भक्ति की बड़ी बड़ी डेफिनेशन बताए, सा परानुरक्त ईश्वर, भगवान के अंदर में परा अनुरक्ति होनी चाहिए, अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता, भगवान में अनन्य ममता हो, ध्रुव प्रहलाद नारद जैसे भक्ति किया ऐसे भक्ति करनी चाहिए। वो भी बड़े बड़े लेक्चर दिए, भगवान ने सुने तुम भी बढ़िया बढ़िया बात बताए, लेकिन मेरे को संतोष नहीं मिला, तुम बैठ जा। फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र को खड़े कर दिए, बोले भैया तू खड़े हो जा। ब्रह्मसूत्र बोला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जोनित्वात हैं और जन्मादस्य जत, जिससे सारे विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि होते हैं, अनुवृत्ति सवाद अनुवृत्ति सप्ताह, भगवान के नाम जप करो, हाँ भगवान के नाम को रिपीटेशन। वो भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, भगवान बोले भैया तुम भी अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन मेरे को संतोष नहीं मिला, मैं जो काम के लिए पूछ रहा वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने सारे पुराण को खड़े कर दिए, भाई भैया जितने जितने स्कंद पुराण मत्स्य पुराण गौरव पुराण सारे पुराण को खड़े कर दिए, सारे पुराण भी खड़े हो गए, वो भी खड़े होकर वो भी बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं, वो भी हैं वर्णाश्रम आचार्य बतात पुरुषान परपुमान विष्णु आराध्य तपंता नान्य तत्व सकारण, उन्होंने भी बताया वर्णाश्रम दैव वर्णाश्रम को आचरण करो उसको द्वारा विष्णु भक्ति मिलेगी हैं, उन्होंने भी बड़ी बड़ी श्लोक बताए।
भगवान बोले तुम भी अच्छी अच्छी बात बता, लेकिन मेरे को संतोष नहीं मिला, तुम भी बैठ जा। फिर उन्होंने भगवत गीता को पूछे, बोले गीता तुम बताओ। गीता में भी बताया, जत करोसी जत स्नासी जत जोहसी ददासी जत जत तपस्वी कौनते तदगुरु समर्पण हैं। इसलिए जो कुछ करो भगवान के लिए करो, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसलिए मन मना भव मद भक्त भव माम जाजिमा। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बात बताई हैं, इसलिए यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोकयम कर्मबंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त सम। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बात बताई। भगवान बोले तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन मेरे को पूरा संतोष नहीं मिला, तुम भी बैठ जाओ। सब शास्त्र तो हैरान, हम इतने इतने अच्छी अच्छी बात बताए, ठाकुर जी सबके रिजेक्ट कर दिया। ठाकुर जी केवल एक ग्रंथ बाकी रह गया, कौन है? ये श्रीमद् भागवत बाकी रह गया। अभी उन्होंने लास्ट में भागवत को खड़े किए, सब भागवत का मुंह ताक रहे, बोले हम तो फेल हो गए, हम सब फेल हो गए, ठाकुर हमें फेल कर दिया, अभी ये भागवत क्या बताते हैं। सब भागवत का मुंह ताक रहे। फिर भागवत ने दो श्लोक उन्होंने उच्चारण किया है। एक प्रहलाद महाराज को, जब उसको पिताजी प्रश्न किया, बोला ये बताओ तेरे बुद्धि को बिगड़ा किसने, क्योंकि जो कुछ मैं प्रश्न करता हूँ हाँ तुम हर प्रश्न में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यातन मन अधितोत्तम। तुमको जो कुछ प्रश्न कर तो सारे कृष्ण भक्ति भगवान के स्मरण उसकी पूजा सेवा बुद्धि तेरे बिगड़ा कैसे ने। अभी भी उस समय तो एक हिरण्यकश्यप, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप आ गए। अगर बेटा अगर भक्ति करे ना, बोले तेरे बेटा किसने बुद्धि को बिगाड़ा, लेकिन शराब पिए सिगरेट में बोले वेरी गुड बच्चा एडवांस है सिगरेट, लेकिन तो कंटी में तिल माला का बोले ये क्या, ये कोई उम्र तेरे भजन करने का, लेकिन सिगरेट पीने का उम्र है, शराब पीने का उम्र है, लेकिन भक्ति करने का उम्र नहीं। इसलिए बोले तेरे बुद्धि को बिगाड़ा किसने, ये संडा मर क्या तेरे बुद्धि बिगाड़ दिए, जिसको पास में हमने पढ़ने के लिए दिया था हैं, ये संडा और अमर का, संडा मतलब साढ़, अमर का मतलब बंदर, मतलब जो बगैर भगवत भक्ति के केवल पैसा कमाने का जो शिक्षा देते हैं ना, कहते सब बंदर और सबके सभी और साढ़ सबके सभी है, ये कोई टीचर है ही नहीं, कोई टीचर नहीं है। इसलिए बोले ये दोनों क्या तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ी। तब श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, नई सांग मत स्थावत उरु क्रमांग्री स्पिशर्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ मई असाम निष्किंचना नाम न प्रणीति जावत। बोले पिताजी ये संडा अमर के क्या हमारे बुद्धि बिगाड़ी, खुद का बुद्धि सही थोड़ी है, उसका खुद का बुद्धि थोड़ी सड़ी है। इसलिए नई सांग मत स्थावत उरु क्रमांग्री, तब तक ये बुद्धि भगवत चरण में लगी नहीं सकते हैं, अपना द्वारा हो नहीं तो पराय द्वारा हो, जब तक निष्किंचना नाम न ब्रणित जावत, जब तक कोई निष्किंच न किसी भक्तों को शरण में तुम नहीं जाते हो, इनके अनुगत्य में भक्ति नहीं करते हो, तो जो कुछ कर ले कुछ होने वाले नहीं। उन्हें दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, ये भरत महाराज श्री रघुगण महाराज जो कह रहे हैं, रघुगण न तपस्या, अगर कोई बोले हम तपस्या करके भगवान को पा लेंगे, बोले तपस्या से भगवान नहीं मिलते, न जाति, बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिया भगवान मिलेंगे, बोले नहीं, बोले न इज्जत, दिन भर पढ़ता रहता हूँ, दिन भर पढ़ता रहता हूँ, बोले इससे भी भगवान नहीं मिलेंगे हैं, निर्बाप ना गृहत बा, बोले हमने घर बार छोड़ दिया साधु बन गए, भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं वह छंदसा, बोले रोज वेद पाठ करता हूँ, बोले नहीं मिलेंगे, नहीं वह जलाग्नि, बोले दिन भर जल अग्नि को मैं पूजा करता हूँ, बोले नहीं मिलेंगे, बोले कब तक नहीं मिलेंगे, मई असाम निष्किंचना नाम न चावत। इसलिए बिना महत पदो रजो भी से कम, जब तक किसी महान साधु की शरण में तुम नहीं जाते हो, कहते जितने भले ही जीवन में कुछ कर ले कुछ होने वाले नहीं। जब ये बात सुना है ना, ठाकुर जी खुश हो गए, ठाकुर जी खुश हो गए, बोले यही तो मैं सुनना चाह रहा था हाँ। इसलिए 100 100 उनको मार्ग मिल गया है, उनको मार्ग मिल गया। इसलिए भक्तों का चरण में भक्ति, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्ति पाने का सबसे सरल तीन उपाय, भक्त पद जल और भक्त पद धूली, भक्त भुक्त से सही तीन साधन निर्बल। एक भक्तों का चरण धूली,
दूसरा भक्तों का चरणामृत, तीसरा उनके अधरामृत व उनकी कथामृत है। कहते ये तीन चीज जितने जल्दी भक्ति देने वाले, दुनिया भर कोई चीज है नहीं जो कि इतने जल्दी भक्ति देने वाले। इसलिए भागवत में बताए अनुब्रजामि अहम नित्यं पुए एत अग्रि रेणु भी। कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले मैं भक्तों का पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों भक्तों को पीछे क्यों चलते हो? बोले उनकी चरण धूलि पाने के लिए। बोले भक्तों की चरण धूलि पाने के लिए क्यों? बोले पुएत, बोले पवित्र बनने के लिए। बोले आप क्या अपवित्र हो गए? बोले हाँ मैं अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले भक्तों की सेवा लेते लेते ना मैं अपवित्र हो गया। जैसे भक्त लोग मेरी सेवा करते हैं, अब दिन भर सेवा करते, मैं कहता हूँ भैया कुछ ले लो। बोले न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है। अगर मैं भक्तों को देना चाहता हूँ ना, भक्तों कुछ भी लेना नहीं चाहते, धन जन पुत्र कुछ भी लेना नहीं चाहते। बोले ठाकुर देना है ना आपका चरण की भक्ति, तो भैया बोले तेरे को तेरे से तो ले लेकर भाई से ऋणी बनी गया, मैं चाहता हूँ तुम्हारे ऋणी से उऋणी बने। फिर कहते तुम्हारी चरण की भक्ति, फिर मैं क्या हो गया? भक्तों का चरण में ऋणी बन गया ना। अभी कृष्ण सोचते हैं भैया इनकी ऋणी से उऋणी कैसे बने। बोले अगर मैं भक्तों का चरण धूलि लूँ उऋणी बन जाऊँगा। भगवान सोचते हैं कोई भक्त थोड़ी मेरे को चरण धूलि देगा, वो तो देगा ही नहीं। इसलिए मैं काम करता हूँ, जब भक्त चलेंगे ना उसको पीछे छुप छुप कर चलूँगा, क्योंकि जब चलेंगे चरण धूलि उड़ेगा, चरण की उड़ेगा तो मेरे सर पर गिरेगा, गिरेगा तो मैं पवित्र हो जाऊँगा। मतलब भक्तों का चरण धूलि इतने पवित्र, लेकिन भक्त बनना बड़ा सख्त है। भक्त भी इतना बात नहीं, भक्त बनना बहुत सख्त है, भक्त बनना भी। हाँ ऐसे जो भक्त है जो निष्कपट रूप में सचमुच से जो निर्भयम, जिसका कोई बैरी नहीं है, जिसकी हृदय संपूर्ण भगवत भक्ति रस में शराब हो रही, ऐसे भक्ति मिलना, भक्त भी मिलना बहुत कठिन है। हाँ यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत अच्छी बात बताते हैं, अभी मैं बताता हूँ, मैं फिर पूछूंगा आपने क्या समझा। आपको एक बहुत गहरा बात बता रहा हूँ जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। बोले भगवान भक्तों का चरण धूलि क्यों चाहते हैं? भगवान सारा दुनिया जिनकी चरण धूलि लेकर पवित्र होते हैं, लेकिन भगवान कहते मैं भक्तों का चरण धूलि चाहता हूँ, क्यों? कारण क्या? देखो इस रहस्य को समझो अगर समझ सके तो। कहते भगवान विषय विग्रह, विषय विग्रह जान तो भगवान स्वयं भगवान है, और भक्त आश्रय उनकी चरणों का आश्रय करके भजन करता है। भक्त किसकी भक्ति करते हैं, सेवा किसको करते हैं? ठाकुर जी को भक्ति करते हैं। लेकिन एक आश्चर्य बात है, कृष्ण तो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप, कृष्ण तो प्रेम स्वरूप है, लेकिन जब राधा रानी उनको भक्ति करती है, भक्त उनको भक्ति करते हैं, भगवान को जितने आनंद है ना उससे राधा रानी को करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद मिलता है, करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद मिलता है। जैसे एक माता कोई रसोई बनाई, बढ़िया रसोई, अगर किसी ने खा करके अंगुल चाट चाट कर खाया, अंगुल बच और खूब थाली की चाट चाट कर खाया, बोले क्या आपने प्रसाद बनाया, क्या अद्भुत, पंच मुंह में वर्णन करना। देखना जो खा रहा है उसको जितने आनंद होगा, जिसने बनाया ना उसको ज़्यादा आनंद मिलेगा। बस आज हमने इतने सुंदर खाना बनाए और खुद सब अंगुल चाट चाट कर खाए, थाला चाट चाट कर खाए, देखना जिसे बनाया होगा ना उसको ज़्यादा आनंद होगा जो खाना खा रहे, इतने खुश होगा। फिर सोचेगा भैया कब आए, कब फिर आए, कब खाना बनाए। इसलिए नियम है माताओं के हाथ से बढ़िया खाना खाना है ना, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए डायरेक्ट उनकी नहीं, क्योंकि इतना कष्ट करके बनाती है, इतना अगर नमक कम है ना बोलनी चाहिए बढ़िया बनाया, लेकिन थोड़ी सी नमक होता तो और अच्छा होता। इसलिए डायरेक्ट कभी नहीं बोलनी चाहिए, अरे क्यों कष्ट करके बनाती है इतना। इसलिए अगर कोई बोलेगा हमने इतना परिश्रम हो गया, नहीं, इसलिए नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए अभी कृष्ण हो गए कौन, भगवान विषय विग्रह, भक्त हो गए उनके आश्रय। अभी भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन आनंद ज्यादा किसको मिलता है? आश्रय विग्रह भगवान को। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में गए, एक दिन निकुंज में बैठी बैठ कर सोच रहे हैं, राधा रानी मेरे को प्रेम करती हैं, मैं भी राधा जी को प्रेम करता हूँ, लेकिन राधा जी के अंदर में जो दिव्य भावना है, राधा रानी मेरे प्रेम में जो दिव्य उन्माद, उनकी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव शरीर में जो दिव्य भावना है, राधा रानी मेरे प्रेम में मूर्छित तो हो जाती हैं, मेरे अंदर में कभी मूर्छित तो हुआ ही नहीं राधा रानी को देख करके, और मेरे को जो आनंद उससे 100 करोड़ गुना राधा रानी को आनंद मिलता है,
अभी कृष्ण का हृदय ना धुक 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 लगने लग गया, बोले मैं भी वो आनंद का आस्वादन करना चाहता हूँ, मैं भी आस्वादन करूँ। बोले भैया कैसे आस्वादन कर सकता हूँ, कैसे? भक्त जब भक्ति को आस्वादन करते हैं, भगवान को आस्वादन करते भक्ति को द्वारा, माध्यम क्या है? भक्ति, क्योंकि बगैर भक्ति से भगवान नहीं मिलते, भक्ति को द्वारा ही भक्त प्रेम का आस्वादन करते हैं। अभी कृष्ण सोचते हैं भैया वो भक्ति मेरे को मिलनी चाहिए तभी तो आस्वादन कर सकता हूँ, लेकिन वो भक्ति मिलेगा कहाँ से? बोले भक्ति तो भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति भक्तों का संग से मिलता है। और भक्ति कहाँ मिलती है? बोले भक्तों का चरण धूलि से, भक्तों का चरणामृत से, और भक्तों की अधरामृत से, ये तीन चीज से भक्ति मिलती है। इसलिए कृष्ण भक्तों को पीछे पीछे इसलिए चलते हैं, भक्तों का चरण धूलि में भक्ति मिलेगी। इसलिए कृष्ण भी हैं, इसलिए कृष्ण भी कलियुग में और राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के आए, भक्त की भाव अंगकांति, इसलिए महाप्रभु गौरव हरि रूप में क्यों आए, किस लिए आए? हर अवतार काले केवल एक महाप्रभु गोरे है, क्यों? राधा जी से दो चीज उधार लिया, एक राधा जी की भाव और एक राधा जी की अंग कांति, ये दो चीज लेकर कृष्ण स्वयं कलयुग में आए। कृष्ण होकर के स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा भाव में विभावित होकर के हा कृष्ण हा कृष्ण तुम कहाँ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दिन रात कृष्ण स्वयं महाप्रभु रूप में, कृष्ण नाम कृष्ण स्वयं, लेकिन हा कृष्ण बोले पागल हो रहे, बोले क्यों? अभी राधा जी की भाव में, राधा जी की भाव में। इसलिए भक्तों की चरण से ही भगवत भक्ति मिलती है। इसलिए यहाँ पर श्री रघुगण महाराज कह रहे हैं, जब तक महत चरण में किसी वैष्णव चरण में अभिषिक्त नहीं होंगे, जो कुछ कर लो भक्ति मिलने वाले नहीं। बोले श्री वैष्णव ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।